उत्तर प्रदेश के मेरठ के ग्राम नगला कबूलपुर में हनुमान मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति की स्थापना कमेटी के सदस्यों ने करते हुए मूर्ति को ढोल नगाड़ों और सुंदर सुंदर झांकियों के साथ नाच गानों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए आसपास के गाँव में घुमाया गया। आसपास के गांव में हनुमान मूर्ति को देखने के लिए गांव में मूर्ति के पास भीड़ उमड़ गई और मूर्ति की सुंदरता की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके चलते नगला कबूलपुर में बनी गोगा मेड़ी पर नगला कपूर के ग्रामवासियों ने नाच गाना करते हुए मूर्ति को स्थापित किया। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग ब्लड प्रेशर शुगर नींद न आना श्वास फूलना पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। आपको बता दें मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सूजापुर धमेड़ा कीरत का है, जहां आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन करंट की चपेट में आकर एक पशु को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग से इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई विद्युत विभाग की ओर से नहीं की गई। पहले भी कई बार पशु करंट की चपेट में आकर हादसे के शिकार हो चुके हैं। घटना के वक्त भैंसा बुग्गी में चार लोग सवार थे। अगर ये लोग करंट की चपेट में आ जाते तो इस सब का जिम्मेदार कौन होता, या फिर बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। भैया मैं यहाँ पे नहा लेने आया, सुबह के टाइम में नहा लेने जाते हैं डेली, यहाँ पे जो 11 की लाइन आ रही है बिजली उतर देती है। यहाँ पे कई बार हमने शिकायत भी करी है इसकी, किस तार को सही करवा दो, पर इसे कोई सुनता नहीं है। हेडल वाला और यहाँ बुग्गी लेके जा रहा है, कटरा का हमारा मुंह लग गया इससे, गलती से इधर घूम गया तो कटरा मर गया, हमारा बिजली ने पकड़ लिया। तो कई लोग सवार थे बुग्गी में जब ये करंट, चार लोग थे और हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वरना हमारे बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कहाँ से? धमेड़ा सूजापुर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। किच्छा जनपद के ऊधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित धौरा डैम पर सेल्फी ले रहे एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक के घर में कोहराम मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार किच्छा कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि किच्छा वार्ड नंबर 4 बडिया निवासी मोहम्मद इमरान अंसारी अपने दोस्त के साथ धौरा डैम पहुँचा था। इमरान डैम के किनारे सेल्फी ले रहा था, तभी अचानक ही इमरान का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो पानी में डूब गया। इमरान को पानी में डूबता देख उसके साथी ने राहगीरों से इमरान को बचाने की गुहार लगाई। तब तक इमरान पानी में डूब चुका था। उन्होंने बताया कि राहगीरों द्वारा जब मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई तो कोलकाता फार्म चौकी इंचार्ज कैलाश चंद्र की टीम मौके पर पहुंचकर मछुआरों की मदद से इमरान को पानी से निकालकर CHC किच्छा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इमरान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिली कि एक इमरान अंसारी पुत्र इब्राहिम, जो यहाँ बंडिया का रहने वाला है, वो अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए धौरा डैम में गया था, नहाने के लिए बल्कि फ़ोटो वोटो खींचने के लिए गए थे। तो फोटो खींचते समय उसका पैर फिसल गया और वो डैम में डूब गया, डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव का पंचनामा भर के हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। कासगंज के सिटपुरा कोतवाली इलाके के ढूंढरा गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव में गोली मारने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल किसान को सिटपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कासगंज के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक सुरेंद्र नाम का ये किसान देर शाम अपने खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के ही भूपेंद्र और हंसराज ने किसान सुरेंद्र को गोली मार दी। घायल किसान को जब अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मृतक किसान के शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, थाना सिलपरा क्षेत्र में एक घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? देखिए, थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत गांव ढूंढरा में एक व्यक्ति नामक सुरेंद्र की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ और एसएचओ सभी मौके पर पहुंच गए। मौके में मुआयना भी हो गया, समय पे एफएसएल और डॉक्टर भी बुलाया गया और चश्मदीद गवाह की प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति नामक हंसराज और उनके पुत्र भूपेंद्र ने इनको गोली मारकर हत्या की है और तहरीर भी मिल चुका है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवा कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही और त्वरित गति में उनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। रविवार को देर शाम भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद पंकज चौधरी ने इंटरसिटी और मैलानी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए किया। इस दौरान ब्रजमनगंज के भाजपा नेता जयप्रकाश गौंड ने कार्यक्रम में IDRM को स्टेशन से संबंधित समस्याओं को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षण काउंटर प्रारंभ करना, पेयजल, यात्रियों को ठहरने के लिए विश्रामालय, बैठने के लिए छाजन युक्त सीट, CSC ढाला को खोलने की संबंध में ज्ञापन देकर मांग की। शीघ्र अतिशीघ्र इन सब सुविधाओं को स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को प्रदान किया जाए। हम जो है श्रीमंत आजादी से पूर्व का स्टेशन है और आज भी यहाँ बुनियादी सुविधाएं हो रही है। हमारी बुनियादी समस्या बहुत छोटी थी। हमारे यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था, यात्रीगण के लिए कुर्सियों की व्यवस्था अच्छी है, पेयजल की बेहतर व्यवस्था है और यहाँ ये बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ नौतलमा से लेकर मेहताव तक के लोग यात्रा करेंगे, इधर हमारे लहरा से लेकर उसका तक के लोग यात्रा करेंगे। यहाँ एक वेटिंग हॉल है, जब जैसे कि दोनों ट्रेनें दोनों तरह का ठहराव यहाँ होता है तो रात में परिवार लेकर कोई आता है तो घर नहीं जा पाएगा, कम से कम वेटिंग हॉल रहेगा, जो भी उसके शुल्क होंगे उसको देख के यहाँ विश्राम करेंगे और सुबह निकल जाएगा। इसी व्यवस्था हमारी है, जो भी यहाँ पेयजल की व्यवस्था है पूरी तरह से हो जाए और हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए यहाँ पिंक शौचालय की व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार के उसमें चल रही है योजना में चल रही है, उन्हें पिंक शौचालय की व्यवस्था हो जाए कि माँ बहनों के लिए एक पिंक शौचालय हो जाएगा, पिंक साधन का काम उन्हें उपयोगी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ब्रजमनगंज इस रेल का स्टेशन है तो ये बादल से सटा हुआ स्टेशन, इसका उत्थान होना जरूरी है और आज तक ये आजादी के पूर्व का स्टेशन है लेकिन इस पर
ध्यान नहीं दिया गया रेलवे के लोग, और इस बार सारे अधिकारी और हमारे वित्त राज्य मंत्री और माननीय वजन महादेव जी के द्वारा दोनों ट्रेनों का ठहराव हुआ है, इसके लिए उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जो भी हमारे नेता संघर्ष में इस ट्रेनों के रोकने के लिए साथी रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि महाबंधन ऐसा स्टेशन बने कि आइडियल स्टेशन के रूप में आगे चल के आगे, जिससे कि यहाँ दुर्ग सुविधाएं आती हैं हमारे नाम हमारे यात्रियों के लिए सब। हमने जलपान की भी व्यवस्था के लिए माननीय दयान साहब से आवेदन किया है, उन्होंने कहा है कि 20 दिनों के अंदर हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, और कुर्सियाँ शौचालय और जलपान के लिए, और टीआरएस के लिए हमने बोला है कि जन आरक्षण केंद्र शीघ्र हम करेंगे, लेकिन समय उन्होंने निर्धारित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कैमरा मैन का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का बोले मैं वंदन अभिनंदन आदि माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। बुलंदशहर के गुलाबटी में श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का आज गणेश विसर्जन के साथ समापन हो गया। श्री गणेश सेवा समिति के पदाधिकारियों ने गणेश विसर्जन यात्रा निकाली, जिसके बाद गुलावटी सिकंदराबाद मार्ग पर स्थित गंगा नहर में श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पूर्व प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर प्रांगण में बीती रात्रि विशाल भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पधारे गायकों ने भगवान श्री गणेश की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के लक्ष्मी राज सिंह उपस्थित रहे। विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं श्री गणेश सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह को भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। मंगल गीत बधाई गावे केसर ते केसर ते केसर ते गाए रही जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। रामपुर थाना हरैया क्षेत्र के विद्युत स्टेशन बैलभरिया सहियापुर के होने वाली सप्लाई कई गांव के पास हाई टेंशन तार बहुत नीचे होने के कारण खतरा बना रहता है। बताते चलें एक बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। सोमवार शाम मोतीपुर खुर्द गांव में राम फेरन की एक करीब 70,000 रुपए की कीमत की भैंस करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग से इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत दिनों में रतौही गांव में भी एक भैंस की मौत हुई है। इस संबंध में हल्का लेखपाल हरीश चंद्र ने बताया कि जल्द रिपोर्ट भेज कर अहेतुक राशि दिलाई जाएगी। दिया भैंसी जन्ना चरावे कारण ट्रक ओहिं गए रही दिया बस पाती खोटे नियरवे रहा बस ओहिं बात ओहिं लाग गवा है अरु है 60-70,000 की अब भैंस गाभिन नहीं भैया 11-12 हुआ है। हाँ भैया प्रधान और धान आया रहा। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन,
लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता, राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। उत्तर प्रदेश के कासगंज नगर पालिका में तैनात टैक्स कलेक्टर के साथ भाजपा नेता द्वारा दफ्तर को बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद गुस्साए पालिका कर्मी ट्रैक्टरों में भरकर कोतवाली पहुंच गए और कार्रवाई को लेकर जमकर कोतवाली में हंगामा काटा। साथ ही कार्रवाई न होने पर पालिका कर्मियों ने काम बंद करने की धमकी दी। दरअसल पूरा मामला कासगंज नगर पालिका परिषद के टैक्स कलेक्टर दफ्तर का है, जहां टैक्स कलेक्टर अमर जयंत का आरोप है कि डीएस लोधी अपने साथियों और दो प्राइवेट गनर के साथ दफ्तर में पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया और मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द बोलते हुए फरार हो गए। वह खंडर प्लांट को मकान में तब्दील कराना चाह रहे थे, उनकी जांच पूरी नहीं हुई थी, इसी बात को लेकर मारपीट कर दी। उधर मामले की जानकारी टैक्स कलेक्टर के साथियों को हुई तो वो आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टरों में भरकर कोतवाली पहुंच गए, जहां एफआईआर कराने को लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। हालांकि कोतवाल ने समझा बुझा कर एक घंटे बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कर दिया। मैं आपको राजवीर साहू सांसद जी के प्रतिनिधि बताते हैं, डीएस लोधी वो करीबन आधा दर्जन लोगों के साथ टैक्स भाग में आए और मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपीट की, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने कहा महिला कर्मचारी बचा भी रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कुंडी लगा के इतना गैर जिम्मेदारी निंदनीय अपराध किया जो कि जघन्य अपराध है। किसी सरकारी दफ्तर में ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट करना एक जघन्य अपराध है। डीएस लोधी क्या पता, डीएस लोधी अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताते हैं, ये दबंगा ये और एक गनर भी था साथ में उनके, एक गनर को रोकना चाहिए कि क्या कर रहे हो भाई, आप सांसद हो नहीं, विधायक हो नहीं, प्रतिनिधि हो नहीं। मांग हमारी ये मांग है कि मैं डीएस लोधी को जेल में भिजवाना चाहता हूँ, उनके खिलाफ मुकदमा एससी एसटी और सरकारी कार्य में बाधा होने के चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कराना चाहता हूँ। तो धरना होगा फिर सरकारी काम बंद रहता है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता, राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता, माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है, पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे, निकट दाल मिल,
पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।